अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है और मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने बता दिया हम लोगों को कि सुकून कब्र में मिलेगा। मेरे भाई जिंदगी में नहीं मिलेगा, ना घर मिलेगा, ना कुछ और मिलेगा। इतने अरसे से बचपन से सुनते आ रहे थे जो मौलाना हज़रत डराते थे कि कब्र में ये होगा, कब्र में वो होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को सलाम है मेरा, जिन्होंने बता दिया कि जी कब्र में जो है सुकून मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे दोस्त एक सवाल पूछ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अगर कब्र में जाके सुकून नहीं मिला तो आपको कहाँ पकड़ेंगे, इसलिए कि बहुत सारी बातें आपकी जो हैं वो वैसे ही हवा में होती हैं, तो ये वाली बात भी हवा में नहीं हो, पता चले कब्र में गए वहाँ भी चितरोल शुरू हो गई। दूसरी बात, हमारे कादिर पटेल भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं सलाम पेश करूँगा उनको भी। 5 नुकात उन्होंने बोला है कि किसी भी शख्स को आप उठा के उसको इजाज़त दे दें कि भरपूर तरीके से टैक्सेस लगाए, भरपूर तरीके से जितना टैक्सेस लगा सकता है, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर उनके बारे में कोई गलत बात की जाए उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। जितनी हो सकती है महंगाई बढ़ाएं, दिल खोल के महंगाई बढ़ाएं, और जितना हो सकता है चंदा मांगे, हाथ जोड़ के मांगे, पैर पकड़ के मांगे, पूरी दुनिया से मांगे, बेहतरीन काम। और 5वां काम कि खबर जो है वो आपको या तो टीवी से पता चलती है या बीवी से पता चलती है, तो बहुत सारे लोग जो है वो बीवी से पता करते हैं, तो आप इस तरह का कोई आदमी हो तो उसके लिए कोई विजन की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही किसी पार्टी की ज़रूरत है। किसी को भी उठा के बिठा दे वो हुकूमत चला देगा, मुझे बिठा दे सबसे अच्छा, तो मेरा ख्याल मैं भी थोड़ा सा अच्छा सही लग रहा हूँ, मुझे बिठा दे मैं भी इससे अच्छी हुकूमत चला लूँगा। और माशाल्लाह से हमारे, आपको पता है कि गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो उनका कोई पॉलिसी नहीं, मुआशी पॉलिसी वगैरह नहीं है, सिर्फ एक ही पॉलिसी है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, इंजॉय करें, टिकटॉक देखें और नए टिकटॉक बनाएं।